गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई विश यू वेरी वेल इन अवर होम। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। दिस इज क्लास कंप्यूटर और आज हम कंप्यूटर की क्लास में एक्सेसरीज पढ़ेंगे, यानी कि डिवीजन करेंगे और प्लस एक्सेसरीज भी उसकी फिलिंग करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, शायद आपके एग्जाम में भी आ सकता है, उसके बारे में आज हम रीड करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप पेज नंबर आपका नंबर है 21, ये आपका पेज नंबर है, ठीक है। अब पेज नंबर 21 में आपका एक क्वेश्चन है, क्या है एक क्वेश्चन है, रीराइट द जंबल लेटर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कुछ स्पेलिंग लिखी रहेगी, जैसे कि पहली है अपनी R I N E P T R, सेकंड स्पेलिंग लिखी है आपकी U S E M O, थर्ड स्पेलिंग है आपकी P-P-O-N-F-Y, फोर्थ स्पेलिंग है आपकी N-I-T-O-M-O-R, एंड फिफ्थ स्पेलिंग O-E-E-R-D-D-Y-K, ये आपकी कुछ स्पेलिंग लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है कि स्पेलिंग जो है, इनके जो वर्ड है ये उधर उधर हो गए हैं, इनको गलत गलत करके लिख दिया है। तो आपको क्या करना है कि ये जो जगह है इनमें इनकी सही स्पेलिंग करके आपको लिखनी है, आपके जो वर्ड है उनको करेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए पहले अपनी क्या हो रही है, आर आई एन पी टी ई टी आर, तो इससे स्पेलिंग कौन सी बन रही है हमारी, इससे स्पेलिंग बन रही है हमारी पी R I T E R, प्रिंटर। देखो प्रिंटर की स्पेलिंग बन गई, इसमें T था, हमने सबसे पहले T उठाया, फिर हमने इसमें R लिखा, फिर उसके बाद में हमने ये I लिखा, फिर हमने T लिखा, E लिखा और R कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंटर की स्पेलिंग बनकर रेडी हो गई, हो गई ना हमारी प्रिंटर की स्पेलिंग P R I N T E R, प्रिंटर। अब देखो ये सेकंड क्या है, U S E M O, तो इससे हमारी कौन सी स्पेलिंग बनेगी, बनाओ M O U S E, माउस, कैसी स्पेलिंग बन गई हमारी माउस की। अब ठीक इसी तरह हम थर्ड वाली स्पेलिंग बनाएंगे, थर्ड वाली स्पेलिंग हमारी क्या बन जाएगी, F L O डबल P Y, फ्लॉपी, कैसी स्पेलिंग बन गई हमारी ये फ्लॉपी की। अब हम फोर्थ वाली लिखेंगे, फोर्थ वाली में सबसे पहले हम M लिखेंगे, फिर हम I लिखेंगे, फिर हम L लिखेंगे, सॉरी M लिखेंगे, O लिखेंगे, फिर M I T E R, ये हमारी स्पेलिंग आएगी बन गई मॉनिटर की। अब ठीक ये वाला है, चलो इसकी स्पेलिंग बनाते हैं, सबसे पहले हम K E Y D O A R D की बोर्ड, ये हमारी कौन सी स्पेलिंग बनकर रेडी हो गई, कीबोर्ड की। तो देखो ये जो स्पेलिंग है ये रीराइटिंग है, यानी मतलब कि रीराइट करना है इसको, जंपिंग लेटर है यानी कि गलत गलत लेटर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनका स्पेलिंग सही करके आपको यहाँ पर लिखना है, इन लेटर को यहाँ पर आपको सही करके लिखना है। तो ये देखो R I N E P T R था, इसकी स्पेलिंग हम सही करके कैसे लिख सकते हैं, इसकी सही स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे, P R I N T E E और ये R, तो हमारी स्पेलिंग कौन सी बन गई, प्रिंटर की। अब ये सेकंड है U S E M O, इसकी स्पेलिंग सही कैसे बनाएंगे हम, M O U S
T E R, ये वाली कौन सी स्पेलिंग बन गई है? मॉनिटर की बन गई है ना, मॉनिटर की स्पेलिंग। अब ठीक है, इसी तरह बनाएंगे हम K E by E B O A R D, बोर्ड। K E by B O A R D, ये हमारी स्पेलिंग का एक बन गई है कीबोर्ड के। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आप बना लोगे ना स्पेलिंग कि नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना, बहुत इजी है ये। आपका पेज नंबर कितने पे लिखा है? पेज नंबर ये आपका है 21 पर। ये आपका पेज नंबर 21 पर है, आप अपनी बुक में खोल के देखिए कंप्यूटर में। अब हमारा सेकंड आता है, चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड देखेंगे हम, इसमें सेकंड में पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है आपका 33। ये पेज नंबर आपका 33 है, ये वाला वो वाला पेज नंबर 21 पर था, ये पेज नंबर 33 पर है। तो इसमें क्या दिया है? पुट ए टिक, राइट फोर थिंग दैट ए कंप्यूटर कैन डू, यानी कि आपके कंप्यूटर कौन कौन सा वर्क करता है उसके आगे आपको राइट का क्लिक करना है। तो इसमें कई सारे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन कैसे? मेक ए मेक ए ड्रॉइंग, सेकंड दिया होगा आपका, सेकंड होगा आपका मॉर्निंग वॉक। क्या होगा सेकंड आपका? मॉर्निंग वॉक, ये सेकंड है। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है? प्ले म्यूजिक। फोर्थ आपका क्या दिया हुआ है? ग्राइंडिंग गार्डनिंग। और आपका फिफ्थ वाला है बुक टिकट, PICKET, बुक टिकट। और सिक्स्थ वाला है आपका प्ले गेम्स। आप देखिए यहाँ पर आपके ये कॉलम्स बने हुए होंगे इस टाइप से, यहाँ पर हल्के से कॉलम्स बने हुए होंगे, ये इस टाइप से कॉलम्स दिए हुए होंगे ऐसे। तो ये आपके क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कॉलम दिए। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको कंप्यूटर कौन कौन सा वर्क करता है, यानी कि कंप्यूटर हमारे कौन कौन से वर्क करते हैं। तो देखिए, मेक ए ड्रॉइंग यानी कि ड्रॉइंग बनाना, क्या कंप्यूटर हमारा ड्रॉइंग बना सकता है? यस। तो इसके आगे क्या करेंगे? राइट का क्लिक कर देंगे। सेकंड आता है मॉर्निंग वॉक, यानी कि सुबह की वॉक पर जाना, सुबह की सैर सपाटा करना। तो क्या आपका कंप्यूटर सैर सपाटा करता है, सुबह घूमने जाता है? नहीं जाता ना, तो हमारा इसमें क्या होगा? क्रॉस होगा, गलत। थर्ड आता है आपका प्ले म्यूजिक, यानी कि गाने प्ले करना, गानों को सुनना। तो क्या कंप्यूटर से हम गाने सुन सकते हैं? यस, कंप्यूटर से हम गाने सुन सकते हैं। तो हमारा ये वाला क्या होगा? राइट होगा, क्योंकि हम कंप्यूटर में गाने सुन सकते हैं। अब आता है आपका गार्डनिंग, यानी कि गार्डन में घूमना या गार्डन में जाना या करना। तो क्या कंप्यूटर गार्डन में जाता है? कंप्यूटर गार्डन में घूमता है? नहीं घूमता ना, कंप्यूटर गार्डन में नहीं जाता। तो आंसर हमारा क्या होगा? गलत। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। अब आता है आपका फिफ्थ वाला बुक टिकट। क्या होता है ये? बुक टिकट यानी कि टिकट को बुक करना। जो आप रेलवे स्टेशन जाते हो, बस स्टैंड जाते हो, एयरपोर्ट जाते हो, बैंक में जाते हो या कई सारी जगह जाते हो, तो वहाँ पर जो हमारा टिकट होता है, टिकट हमारा बुक करता है कंप्यूटर। हमारे टिकट जो बुक होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा हो सकते हैं क्या? यस, हमारे टिकट कंप्यूटर के द्वारा ही बुक होते हैं। तो ये वाला आंसर भी हमारा क्या होगा? राइट। इसके आगे हम क्या करेंगे? राइट का क्लिक कर देंगे। अब सिक्स आता है हमारा प्ले गेम। तो क्या आपको कंप्यूटर पर आप गेम्स खेल सकते हो? कोई भी खेल होता है वो आप अपने कंप्यूटर पर खेल सकते हो? यस, हम हमारे कंप्यूटर पर कोई भी गेम खेल सकते हैं, किसी भी गेम्स को हम प्ले कर सकते हैं। तो आंसर हमारा ये वाला भी क्या होगा? राइट होगा। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा,
होता, उसके आगे आपको रॉन्ग का क्लिक करना है। तो मैं ए ड्राइंग यानी कि ड्राइंग बनाना, कंप्यूटर हमारा ड्राइंग बना सकता है, इसलिए हमने इसके आगे क्या करा है, इसके आगे हमने राइट का क्लिक करा है। सेकंड है मॉर्निंग वॉक, क्या आपका कंप्यूटर सुबह सैर सपाटे पर जाता है? नहीं जाता, इसलिए हमने इसके आगे क्या करा है, राइट का क्लिक करा है। थर्ड है प्ले म्यूजिक, क्या कंप्यूटर पर आप गाने सुन सकते हो? यस, हम कंप्यूटर पर गाने सुन सकते हैं, तो हमारा ये वाला आंसर क्या होगा, राइट होगा। अब आता है गार्डनिंग, क्या आपका कंप्यूटर गार्डन में खेलने जाता है? क्या आपका कंप्यूटर गार्डन में घूमता है? नहीं घूमता ना, तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, इसलिए इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। अब फिफ्थ आता है बुक टिकट, तो क्या कंप्यूटर टिकटों को बुक करता है? जो आपकी रेलवे स्टेशन पे टिकट बुक होता है, बस स्टैंड पर टिकट बुक होता है, एयरपोर्ट पर टिकट बुक होता है, तो क्या कंप्यूटर टिकट बुक करता है? यस, कंप्यूटर क्या करता है, हमारी टिकटों को बुक करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट। इसके आगे हम क्या करेंगे, राइट का क्लिक करेंगे। सिक्स आता है आपका प्ले गेम, यानी कि खेलों को खेलना, प्ले गेम्स होते हैं उनको खेलना, या कोई भी गेम्स जो होते हैं कंप्यूटर पर, तो क्या आपके कंप्यूटर पर आप गेम्स खेल सकते हो? यस, हम कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट। इसके आगे हम क्या करेंगे, प्ले गेम्स के आगे हम राइट का क्लिक करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पर जंबल्ड वर्ड दिए हुए हैं, जो कि आपके वर्ड है, स्पेलिंग है, उनको गलत गलत करके लिख दिया है, तो आपको क्या करना है कि उनके आगे आपको राइट की स्पेलिंग लिखनी है, यानी कि अपने स्पेलिंगों को राइट करके करेक्ट करके आपको लिखना है। तो ये था आपका कंप्यूटर का, जो कि हमारे एक्सेसरीज थी, ये पेज नंबर 21 पर था और ये पेज नंबर 33 पर था, जो कि हमने इसको फिल करा है। तो आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा कि हमारे जो जंपर लेटर है उनको किस टाइप से हमें लिखना है, और हमारे ये जो राइट और रॉन्ग वर्ड है इनको हमें किस टाइप से राइट करना है, किस टाइप से हमें इनको रॉन्ग करना है। तो ये आपके पेज नंबर 33 पर है और ये पेज नंबर 21 पर है, जो कि कंप्लीट हो गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज या कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के आपके